हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ले टॉफी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम ठंडी ठंडी कुल्फी की रेसिपी। तो दोस्तों, एकदम अलग स्टाइल में हम कुल्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी हमारी कुल्फी बनकर तैयार होगी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 30 पार्ले टॉफी, यानी 15 रुपये की 30 पार्ले टॉफी लिए मैंने यहाँ पे। तो 1 रुपये की 2 मिलती है मार्केट में, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इन टॉफियों को फाड़ लूँगा और इन टॉफियों को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा किसी बाउल में। तो सारी टॉफियों को मैं इसी तरह फाड़ कर किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी टॉफियों को मैंने इस तरह फाड़ लिया है और इनको बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, तो इस पैन में हम सारी टॉफियाँ डाल देंगे और इसी के साथ में डाल दूंगा मैं 1/2 कप मिल्क यानी दूध, और इसको हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे कुक करते जाना है, यानी दूध को उबालने तक हमें इसे कुक करते जाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। तो बस इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह हमें कुक करते जाना है हाई फ्लेम पर। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी टॉफियाँ हैं वो मेल्ट होती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी आ चुका है, यानी टॉफियों ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस इसी तरह हमें इसे कुक करते जाना है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एंड में सारी टॉफियाँ हमारी मेल्ट हो चुकी हैं, यानी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है कैरामलाइज जैसा हो गया है। दूध और टॉफियाँ हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 2 कप दूध। तो जो हमने पहले सारा दूध इसलिए नहीं डाला क्योंकि उस टाइम दूध फट सकता था। तो बस इसी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 3 टेबलस्पून चीनी। अगर आप चीनी माने मीठा आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी ना डालें। तो अब मैंने स्वाद अनुसार चीनी डाल दी है और इसको मैं अच्छे से घुलने तक पका लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है और चीनी भी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर डालूंगा मैं थोड़ी सी किशमिश। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें ना चाहे तो ना डालें। और इसको मैं एक बार मिक्स कर दूंगा अच्छे से। अब इसके अंदर डालूंगा मैं थोड़े से काजू। यहाँ पर मैंने 4-5 काजू लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था और उसमें 2 टेबलस्पून दूध डालकर इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। दूध हमने ठंडा लिया था और इसको हम इस तरह मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दूध है वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा दूध को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूध जो है हमारा हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो लगभग आधा घंटे तक मैंने इसको ठंडा कर लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था, लगभग 1/2 टीस्पून। तो हमारा मिक्सर जो है आधा घंटे में अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर मैंने कुल्फी को जमाने के लिए इस तरह के कुल्फी के मोल्ड लिए हैं। आपको ये आसानी से मार्केट में या फिर ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं इनको। तो कुल्फी का जो मिक्सर है इसमें डाल दूंगा मैं इस तरह। तो कुल्फी को मिक्सर से मैंने इनको भर दिया है। अब इनका जो ऊपर का ढक्कन है इनको मैं लगा दूंगा। तो सभी पर मैंने ढक्कन लगा दिया है। तब इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे लगभग 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट या पूरी रात। तो इनको फ्रीजर में रखने से पहले इनको मैं एक इस तरह के बर्तन में रख देता हूँ ताकि गिरे ना। तो इनको हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे यानी फ्रीजर में रख देंगे। तो दोस्तों, लगभग 10 घंटे बाद या फिर पूरी रात बाद आप देखेंगे कि हमारी कुल्फी वो अच्छे से जमकर तैयार हो चुकी है, तो एकदम हार्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की कुल्फी वाली जो स्टिक आती है वो ली है, तो इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा इस तरह।
और यहाँ पे मैंने गिलास में पानी लिया है, तो पानी में हम इस तरह इसको डुबो देंगे। इससे क्या होगी, हमारी कुल्फ़ी जो आसानी से निकल जाएगी। जो 5-6 सेकंड मैंने इसको इस तरह डुबो दिया था, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कुल्फ़ी कितनी आसानी से निकल चुकी है और एकदम क्रीमी हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। दोस्तों हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए।